नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम। ना दूध गाढ़ा करने का झंझट, ना मावा लाने का झंझट, ना ही पनीर। इसे हम बहुत आसान तरीके से और हमारे घर में जो चीजें होती हैं उसी से बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस आइसक्रीम के अंदर हम डालेंगे 2 ब्रेड। तो ब्रेड डालने से उसका कोई स्वाद चेंज नहीं होगा। अक्सर जो हम लोग बाहर से आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी ब्रेड पड़ा हुआ होता है, तो आप एक बार बनाकर देखिएगा, इसमें बिल्कुल ब्रेड का स्वाद नहीं आएगा और ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो हमें क्या करना है, इसे साइड्स को हम निकाल देंगे। आप चाहे इसे डाल भी सकते हैं, इसे काट करके निकाल देंगे। रवासियों की इंटलेसियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इससे हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। इस तरीके से इसे काट करके निकाल देंगे। तो इसके इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने मिक्सर जार ले लिया है और इसके अंदर ये ब्रेड डाल देंगे। और हमने लिया है 4 बड़े चम्मच चीनी, इसे डाल देंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 इलायची को मैंने छील लिया है, इसे भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे वेनेला कस्टर्ड पाउडर, 2 चम्मच हमने लिया है, इसे डालेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे दूध, तो ये फुल क्रीम दूध है। 2 लीटर की मलाई है इसके ऊपर हमने डाला है और 1 कप हमने दूध ले लिया है। दूध बिल्कुल ठंडा है, तो इसे हम डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हमने 4 से 5 काजू ले लिया है और 4 से 5 बादाम ले लिया है। मैंने इसे 1 घंटे पहले पानी में डाल दिया था, तो इसे भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो इसे हटा भी सकते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये दूध हमारा अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो चलिए इसे हम जमा लेते हैं। तो इसे जमाने के लिए हमने कूलर वाला कप लिया है, आप देख सकते हैं। आपके पास जो भी कप हो, ग्लास हो, कटोरी या किसी भी बर्तन में आप जमा सकते हैं। आइसक्रीम का मोल्ड है तो उसमें आप जमा सकते हैं। तो इसके अंदर हम दूध को डाल देंगे। तो ऊपर से थोड़े से पिस्ते और बादाम से इसे हम गार्निश कर देंगे, जिसे देखने में अच्छा लगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से ढक देंगे। तो हमने लिया है एल्युमिनियम फॉइल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल जो पन्नी होती है घर पर उसे ले सकते हैं और इस तरीके से ऊपर से लगा दें और इस तरीके से ढक दें। इससे क्या होगा, जो ऊपर से आइस जम जाते हैं, क्रिस्टल्स जम जाते हैं, वो नहीं जमेंगे और आइसक्रीम हमारी अच्छी तरीके से जम जाएगी। तो इसमें भी हम लगा देंगे। तो ऊपर से लगा देंगे रबड़ बैंड, जिसे निकले ना। तो इस तरीके से हमें इसे जमने के लिए रखना है। तो इसे हम फ्रीजर में रखेंगे 8 से 9 घंटे तक, और फ्रिज की अच्छी कूलिंग होनी चाहिए। अगर आपके फ्रिज में अच्छी कूलिंग नहीं है तो आप इसे ओवरनाइट या फिर ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, जब तक ये आइसक्रीम हमारी अच्छी तरीके से जम नहीं जाती है। तो इसे हम रख देते हैं फ्रीजर में जमने के लिए और इसे 7 से 8 घंटे के लिए हम जमने देंगे। तो 8 घंटे हो चुके हैं, हम आइसक्रीम को चेक करते हैं। तो मैंने ऊपर से जो ये रबड़ लगाई थी इसे हटा देंगे और इसे हटा देंगे। तो आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है, ये टाइट हो गई है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ये आइसक्रीम खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे हम निकाल कर दिखाते हैं आपको और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से आइसक्रीम हमारी निकल रही है। बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है। तो एक बार इस तरीके से बनाकर आप जरूर ट्राई करिएगा, खाने में मजा आ जाएगी। बहुत टेस्टी लगती है खाने में और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप आइसक्रीम बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी ये आइसक्रीम कैसी बनी।